हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो जाके प्लीज़ उसे देख लें। उसमें मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कवर किए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे और यूरोप में भी पहले हम इसका देख लेते हैं स्प्रेड कहाँ तक है इसका। तो यहाँ देखो, यूरोप को एशिया से सेपरेट कौन सी चीज़ें करती हैं, तो ये यूरोल माउंटेन है, यहाँ है कैस्पियन सी और यहाँ आ जाता है आपका कॉकेसस माउंटेन। ये तीनों मिलके क्या करती हैं, एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाती है, यानी कि यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है। और साउथ में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है और ब्लैक सी है। यूरोप के नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, आर्कटिक सी है। अगर आप वेस्ट में चलते हैं तो वेस्ट में क्या है यूरोप के, तो अटलांटिक ओशन है। अभी हम यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, कहने का रीजन भी है क्योंकि यूरोप ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक पेनन्सुला है और इसमें ढेरों पेनन्सुला हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से पेनन्सुला हैं। यहाँ देखो, ये वाला पेनन्सुला को हम स्कैंडिनेवियन पेनन्सुला कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जिसमें डेनमार्क है इसको हम जूटलैंड पेनन्सुला कहते हैं, यहाँ स्पेन और पुर्तगाल वाले को आइबेरियन पेनन्सुला कहते हैं, और ये इटली जिसमें है इसको इटालियन पेनन्सुला कहते हैं। और ये देखो, ये छोटे छोटे जो नेशंस हैं यूरोप के, इसको कहते हैं हम बाल्कन पेनन्सुला। तो आपको इतने सारे पेनन्सुला मिल गए इस कॉन्टिनेंट में। अभी चलो हम मैप कर लेते हैं कंट्रीज़ को। ये देखो, ये है नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन में है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे हमने याद किया था। बीएसएफ के जगह पे मैंने एनएसएफ याद कर लिया था, तो एन से नॉर्वे, यस से स्वीडन एंड एफ से फिनलैंड। अब स्वीडन और फिनलैंड के बीच में देखो गल्फ ऑफ बोथनिया है, और इसके बाद आप नीचे आ जाओ तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है। ये भी पहले जो सोवियत रूस था उसका पार्ट हुआ करते थे। तो ये देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो ये देखो इनके बीच में क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और इधर आपके इनके वेस्ट में आ जाओगे तो बाल्टिक सी है। यहाँ देखो, ये रसिया का ही पार्ट है, कैलिनग्राद, इसको कलिनीग्राद या कैलिनग्राद कहते हैं। ये बहुत ही न्यूज़ में था क्योंकि लिथुआनिया थोड़ा यूरोप के फेवर में आके ये जो रास्ता जाता है, जैसे ये तो रसिया का पार्ट है, तो रसिया इसके ही थ्रू अपने रसिया के इस वाले पार्ट में सामानों का ट्रेड, मतलब सामान भेजता है, तो ठीक है। इसने, लिथुआनिया ने कहा था मैं ये रास्ता ब्लॉक कर दूंगा ताकि रसिया जो है अपना सामान इसमें ना भेज पाए, क्योंकि रसिया की ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सीधे बाल्टिक सी से कनेक्टेड है और यूरोप के कई देशों से कनेक्टेड है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट भी रसिया ने करके रखा हुआ है, तो ये पार्ट उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रसिया ने आंखें दिखा दी, फिर लिथुआनिया डर गया, अब शांत हो गया। अब चलो, जो यूक्रेन का हल किया है वो ही लिथुआनिया का हल कर सकता है, इसलिए लिथुआनिया थोड़ा डर गया उससे। अब यहाँ देखो, बेलारूस है जिसकी कैपिटल मिंस्क है, तो ये भी जो है रसिया का फ्रेंड है, मित्र राष्ट्र है। यहाँ देखो, ये है पोलैंड, जर्मनी है, और ये देखो, ये जो है लोलैंड कंट्रीज है, ठीक है। इसको कहते हैं बेनेलेक्स, बी बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड, और लक्स से लग्जमबर्ग, इसको बेनेलेक्स कंट्रीज कहते हैं, लोलैंड कंट्रीज। अब इसके बाद आ जाओ तो ये फ्रांस है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो स्पेन है, और ये पुर्तगाल है। इसके बाद आप आ जाओगे तो ये इटली है, ठीक है। इटली की दो आइलैंड्स हैं मेडिटेरेनियन में, कॉर्सिका, और इसको कहते हैं कोर्सिका आइलैंड और सार्डिनिया, कोर्सिका एंड सार्डिनिया, ठीक है। यहाँ देखो, ये सारे बाल्कन कंट्रीज हैं छोटे छोटे, जैसे कि देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया पहले है, इसके ऊपर चेक रिपब्लिक है पोलैंड के नीचे। अब यहाँ से आ जाओ, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जगोविना है, मोंटीनिग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, ठीक है, मैसिडोनिया है, टर्की है इधर, आप टर्की वाला एरिया है ये, बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, और हंगरी है, और स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, मोल्डोवा है। ये सारे पार्ट्स जो हैं आपको एक बार एटलस लेके लोकेट करना पड़ेगा, ताकि आप इनके जो पोजीशंस को है आप अच्छे से मेमोराइज कर सको, माइंड में रख सको। और इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं उसे कवर कर लेती हूँ, यूक्रेन। यूक्रेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे रसिया यूक्रेन वार को 6 महीने बीत चुके हैं,
और ये पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यूक्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इतनी लंबी वार जो चल रही है इनके बीच में। तो ये देखो यूक्रेन वाला पार्ट है, इसकी कैपिटल है कीव, ठीक है। इसका दो रीजन था जो काफ़ी मतलब पहले ही रसिया ने कहता है, वो मेरा पार्ट है दोनेस्क और एक और रीजन था शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दोनेस्क। इसके बाद जो है देखो बॉर्डर किससे किससे बना रहा है, तो ये तो रसिया से बना रहा है, बेलारूस से बना रहा है, इधर पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया है, यहाँ हंगरी से भी बॉर्डर बना रहा है, रोमानिया से भी बना रहा है, ठीक है, मालडोवा है। इसके बाद यहाँ देख लो ये वाला क्रीमिया वाला हिस्सा, ये यूक्रेन का पार्ट ही था, बट इसको 2014 में क्या किया था, रसिया ने एनेक्स कर लिया था और अपना पार्ट बना लिया था, जिसके कारण रसिया को G8 वाले ग्रुप से हटा के वो ग्रुप G7 बन गया था। और अभी तो पूरा ही कवर करने के चक्कर में है कि पूरा यूक्रेन को ही अपने में मिला लें, ताकि जो पुतिन जो हैं काफ़ी विजनरी लीडर हैं, वो पहले वाली ग्लोरी जो है सोवियत संघ की उसको वापस लेना चाहते हैं। जैसे 1991 में क्या हुआ था, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, 15 नेशंस अलग हो के छोटे छोटे नेशंस बन गए, तो रसिया चाहता क्या है कि इन 15 नेशन को बारी बारी करके फिर से क्या कर लें, यूनाइट कर लें, और रसिया को पहले वाली ग्लोरी जो है सोवियत संघ वाली वापस दिला दें, ऐसा विजन है रसपुतिन जी का। ये देखो यहाँ पे देख लो रसिया से जो है क्रीमिया के बीच में सी ऑफ एजोव सी है, और देखो एजोव सी को ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ कर्च कनेक्टेड करता है। ये सेवस्ता पोल भी जो था, ये जो पोर्ट था काफ़ी न्यूज़ में था, सेवस्ता पोल क्रीमिया का पोर्ट है। इसके बाद देखो ब्लैक सी जो है यहाँ सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होती है, जिसको कि बास्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे डार्डेनल स्ट्रेट है जो कि एजियन सी से कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। तो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। अभी इसके फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेटू वगैरह जो ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपिक ग्रासलैंड, और इसकी क्लाइमेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया। मैंने अभी थोड़ी सी चीज़ें लोकेट की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं, ठीक है। और बाकी के वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें, कई यूरोप के मैप्स लाऊंगी मैं और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते रहें और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।